इस्लाम सबके लिए विषय का संबंध है, ये कोई नारा नहीं है, स्लोगन कि मुसलमानों में एक उत्साह पैदा करें, या इस नारा देकर एक स्लोगन देकर लोगों को जोड़ें, नहीं। ये बात आज से नहीं कही जा रही है। कुरान का अध्ययन करके आप देखेंगे और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो संदेश है, उनका जो जीवन है, उसे अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को वहां भी पाएंगे कि उन्होंने पहले दिन से अवगत कराया, लोगों को जानकारी दी कि इस्लाम किसी विशेष समुदाय के लिए, देश के लिए, किसी काल के लिए नहीं है, सारे मानव के लिए है, और ये अल्लाह की तरफ से। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम का संस्थापक कोई मानव नहीं है। हम धर्मों को देखते हैं, तमाम धर्मों का आदर करते हुए, कि धर्मों में जो विभिन्न धर्म आज भारत में हैं, विश्व में हैं, उन धर्मों के कोई ना कोई संस्थापक है, या वो किसी की तरफ उनको जोड़ा गया है, कि जैसे क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी वो जीसस की तरफ उसे जोड़ा गया है, परंतु कुरान बताता है कि जीसस इस्लाम के प्रेषित थे। 1,24,000 प्रेषित, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स विश्व के विभिन्न भागों में, अनेक कालों में आते रहे, तो जीसस प्रॉफिट मोहम्मद से 600 वर्ष पहले करीब करीब आए थे। वे इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने अपनी तरफ से, किसी पैगंबर ने भी, किसी प्रेषित ने भी अपनी ओर से कोई नया धर्म मानव को नहीं दिया। सब के सब इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम के संदेशवाहक, और इस्लाम के मार्गदर्शन को मानव के सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से ये इस्लाम अल्लाह की तरफ से है, ईश्वर का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके संस्थापक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पुस्तक को उन्होंने मानव को दिया है, कुरान ग्रंथ, वो ग्रंथ कुरान मुसलमानों का ग्रंथ नहीं है, और उस ग्रंथ को मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा। वे उस काल में जैसा लिखा पढ़ा जाता था, उसकी जानकारी नहीं रखते थे। अल्लाह की तरफ से उनको विशेष करके ज्ञान दिया गया था, बहुत सारे मानव जीवन के रहस्य, मानव जीवन की फिलॉसफी, जीवन की सफलता, मुक्ति के लिए उनको ज्ञान अल्लाह ने अपनी तरफ से दिया, उसको मानव के सामने उन्होंने रखा था। तो इस तरह से आपके सामने ये चंद भ्रांतियां भी मैंने दूर करने का प्रयत्न किया कि इस्लाम अल्लाह ईश्वर की तरफ से है, कुरान अल्लाह की तरफ से है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न इस्लाम के संस्थापक हैं, न कुरान के आथर हैं, लिखने वाले, और ये सब मानव के लिए है। अब देखिए, कोई चीज मानव के लिए कब सबके लिए हो जाती है? जैसे आप हवा पर विचार करें, जल पानी पर देखें, इसके बारे में विचार करें, धरती है, आकाश है, सूर्य है, सूरज, चंद्रमा है, चांद, ऐसे ही विचार करेंगे तो ये सब के लिए। जब कोई मादी चीज, यानी जो अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, अस्तित्व, वो चीज सबके लिए कब होती है? नंबर ये, वो चीज अल्लाह ईश्वर की तरफ से हो, वो सारे मानव के लिए है, ये बात अल्लाह की तरफ से बताई गई हो, उसके ऊपर किसी का कब्जा, किसी की मोनोपोली ना हो, वो किसी की जागीर ना हो, प्रॉपर्टी ना हो। हवा सबके लिए है, अल्लाह ने ये बात बताई है। जल, पानी, समुद्र, दरिया, जंगल, पर्वत, आकाश और सूरज और चांद, सबके लिए ये अल्लाह की तरफ से है, सबके हित में है, और किसी की इस पर मोनोपोली या प्रॉपर्टी में नहीं दिया गया, और इसमें किसी का नुकसान नहीं। इसी तरह से भाइयों, दोस्तों और बहनों, इस्लाम सबके लिए जब हम कहते हैं, तो मैंने शुरू में बताया, कोई कोई नारा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी हकीकत है, और ये अल्लाह ने खुद बता दिया है। ये सबके हित में है, इससे किसी को नुकसान नहीं है, इस पर किसी की मोनोपोली और प्रॉपर्टी नहीं। इस्लाम, कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो इन तीन बातों को आप ध्यान में रखें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है हमारे मुसलमान भाइयों ने ये बातें आपको नहीं बताई होंगी। आज पहली बार आप सुन रहे हैं, आप आश्चर्य ताज्जुब कर रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है कि हम तो जानते ही नहीं थे। ये हम मुसलमानों की अवश्य जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हमारा दोष है, हमारी हमारा कसूर है। जो काम हमारी दायित्व था, जिम्मेदारी थी, वो हमने, ड्यूटी थी, हमने नहीं किया। तो आपके सामने बात आ गई, इस्लाम सबके लिए, कुरान सबके लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। अब आइए, इस्लाम सबके लिए का अर्थ क्या है? देखिए, जब ये बात मैं आपके सामने बताऊंगा तो आप ये विचार न करें कि किसी धर्म को श्रेष्ठ बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, दूसरे धर्मों को हीन भावना से देखा जा रहा है। हरगिज नहीं। सारे धर्मों का आदर करते हुए, सारे धर्म गुरु, सारे ग्रंथ धर्मों के सबका आदर करते हुए, जो बात समझने की है उसे हम समझने का प्रयत्न करें। इस्लाम की एक विशेषता यह है, कुरान में बताया गया कि अल्लाह ईश्वर की तरफ से जो धर्म इस्लाम मानों के लिए आया है, उसे चाहे कोई स्वीकार करे, चाहे अस्वीकार करे, उसे इनकार करे, ये स्वतंत्रता तो उसे दी गई। इस विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लालच से, ताकत से, जोर जबरदस्ती से इस्लाम को मान लो, नहीं मानोगे तो तुमको ये हो करे किया जाएगा, नहीं। इसमें इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश या इसके लिए कोई जगह नहीं है। वहां पूरी पूरी आजादी दी गई है, परंतु ये भी बताया गया कि तुमको स्वतंत्रता दी गई है, विचार करो। अल्लाह ईश्वर की तरफ से जो चीज आई उसको स्वीकार करने से इनकार करते हो और उसे लाभ उठाते नहीं हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। अगर कोई कहे कि मैं हवा नहीं लूंगा, मैं जल पानी का उपयोग नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, धरती से वनस्पतियां अनाज गल्ला उगा कर फायदा नहीं उठाऊंगा, तो भाइयों, बहनों और दोस्तों, सोचिए नुकसान किसका है। तो इसी तरह से बताया गया कि इस्लाम को मानना या अस्वीकार करना स्वतंत्रता तो है, परंतु इसका जो रिजल्ट है वो भी उसी को इंसान को देखना पड़ेगा। इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का परिचय कराया, इस्लाम का अर्थ बताया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। इसका एक अर्थ जो है ये है कि अपने जीवन को अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पित करना, अल्लाह के आदेश निर्देश के आगे अपने जीवन को ढाल देना, ओबीडियंट बनकर रहना, आज्ञाकारी, उस बताए गए रास्ते पर चलना, इस्लाम का अर्थ ये है। इस्लाम का एक और अर्थ भी निकलता है और वो ये है कि इस्लाम शांति है, मन की शांति, अपने पूरे जीवन की शांति, समाज परिवार की शांति, सारे मानव, सारे देश की, विदेश विदेश मिलाकर विश्व की शांति। तो इस्लाम शांति का धर्म। इसकी शिक्षाओं को आप देखिए, इसके संदेश को आप देखिए, इसके मार्गदर्शन को आप देखिए, ये किसी के लिए सीमित नहीं है, अरब देश के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जब 1450 वर्ष पूर्व मक्का नगर में एक पहाड़ी पर चढ़कर, छोटा सा पर्वत, सारे मक्का के लोगों को इकट्ठा करके जब आपने संदेश दिया तो क्या कहा? या यूहन्नास, ऐ लोगो, ऐ मानो, ये आपने कहा है। आपने ये नहीं कहा कि मक्का के लोगों, अरब के लोगों, मेरी कौम के लोगों, आपने सारे मानव को संबोधित किया। कुरान आप उठा लीजिए, कुरान में पहला ही अध्याय सूरह फातिहा चैप्टर है, पहला ही सूरा कहते हैं अध्याय, उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो दयावान अत्यंत कृपाशील है, उसके आगे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों का रब है। रब यानी पैदा करने वाला भी, पालनहार भी, और जो शासक है, जो मालिक है, जो आका है। आप देखिए, मुसलमानों का रब नहीं कहा,
मुसलमानों का ईश्वर अल्लाह नहीं कहा। कुरान के आखिरी अध्याय 114 उसमें एक छोटी सी अध्याय है, वो आरंभ होती है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, सारे इंसानों का रब, सारे इंसानों का मालिक, सारे इंसानों का शासक और आका। तो भाइयों, दोस्तों और सज्जनों, ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई कि इस्लाम का जो संदेश आरंभ ही में दिया गया वो तो सारे मानव के लिए था, संबोधित मानव को किया गया, कुरान भी संबोधित मानव को करता है। अब संदेश क्या है, विशेष करके तीन विचार या तीन मूल जो शिक्षाएं हैं वो आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि अल्लाह ईश्वर है और वो एक अकेला है। दूसरा है कि अल्लाह ईश्वर ने मानव को पैदा करके नहीं छोड़ दिया, भटकने के लिए नहीं छोड़ा, उसे रास्ता बताया, और वो रास्ता अल्लाह ईश्वर धरती पर खुद आकर नहीं बताता, बल्कि वो मानव में से चुन लेता है, प्रॉफिट मैसेंजर बनाता है और उनके द्वारा वो रास्ता बताता है, शिक्षा देता है। ये मैसेंजर प्रेषित प्रॉफिट्स मैसेंजर्स उस संदेश को पहुंचाते भी हैं, उस पर चलकर नमूना अपने जीवन में देते हैं, रोल मॉडल। और तीसरा मूल जो शिक्षा है, मूल शिक्षा वो है मरने के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद सदा का जीवन है। ये लौकिक जीवन है, मृत्यु के बाद सदा का जीवन। आप देखिए कि हमारे जीवन के दो भाग हैं, हमारी पर्सनालिटी के भी दो भाग हैं। एक तो यह है कि हम फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारा एक शरीर है, हाथ पैर हैं, आंखें नाक हैं, बहुत सारी हमारी शरीर में चीजें हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो लौकिक जीवन, एक परलोक जीवन, इन सब के बारे में इस्लाम ने शिक्षाएं दी हैं। पहले मैं थोड़ा अल्लाह का परिचय कराता हूँ, इस्लाम ने जो प्रस्तुत किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के आधार पर मानव को बताया कि अल्लाह एक है, अजन्मा है, उसकी कोई बेटा बेटी परिवार पत्नी नहीं है, उसका कोई कुटुंब नहीं है, वो अल्लाह ईश्वर निराकार है, उसके अच्छे अच्छे गुण हैं, उसको किसी ने देखा नहीं कि कोई फोटो बना सकें, कोई मूर्ति बना सकें और कोई आकार उसे दे सकें या उसकी कोई स्टैचू बना सकें, नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, देख भी नहीं सकते इस जीवन में। और देखिए अल्लाह के अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में किसी को भी सहभागी बनाना, पार्टनर, ये महा अपराध है, महापाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसे कुरान में शिर्क कहा गया और बताया गया कि इस तरह से करने वालों की गुनाह को, पाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं देगा, बहुत देवार। और तीसरा पॉइंट अल्लाह को मानने में यह है कि अल्लाह को केवल पैदा करने वाला, परवरिश, पालने पोसने वाला, पालनहार ही हम मानकर न रह जाएं, बल्कि अल्लाह ईश्वर हमें उसने मार्गदर्शन जीवन का दिया, जीवन का उद्देश्य बताया, जीवन के लिए कानून व्यवस्था दी, आदेश निर्देश दिए। जब तक मानव अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में अल्लाह को इस तरह से नहीं मानेगा, ईश्वर अल्लाह को, और उसके आदेश निर्देश पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा, उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेगा, अल्लाह को मानना पूरा नहीं होगा। और ये अल्लाह का इनकार ही है, ईश्वर का इनकार है। आज हम कितने लोग हैं जो इस तरह से अल्लाह ईश्वर को मानते हैं, सब कहते हैं मौलाना साहब हम अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो ये किए। मगर मैंने आपके सामने अभी कुरान के आधार पर बताया, विस्तार में जाने, डिटेल्स में जाने का अवसर नहीं है, परंतु कुरान ने बताया कि अल्लाह के आदेश को, निर्देश को मानो, उसे मार्गदर्शन को मानो, अपने जीवन में स्वीकार करके उसके ऊपर चलो, ओबीडियंट बनकर रहो, जीवन को समर्पित करके चलो, तो जब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। तो भाइयों, दोस्तों और सज्जनों, बताइए अल्लाह ईश्वर को ऐसा मानना सबकी आवश्यकता है, सबके हित में है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाएंगे, बड़ी सच्चाई का इनकार करने वाले बनेंगे। तो इस तरह से इस्लाम सबके लिए,
इसमें जो सबसे फंडामेंटल बेसिक या मूल जो शिक्षा है अल्लाह ईश्वर के बारे में, वो कितने स्पष्ट आपके सामने मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया। अगर आप उसको कुरान का अध्ययन करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में सारी बातें आपके सामने आती हैं। अब दूसरी बात लीजिए कि मानव जीवन के लिए जो बात बार बार आ रही है कि उसे जीवन का उद्देश्य बताना चाहिए, जीवन का उसके रास्ता बताना चाहिए, उसके लिए जीवन में शांति के लिए और सफलता के लिए, उन्नति प्रगति के लिए वो कौन से उसूल हैं, वो कौन सी तालीम है, शिक्षा है, जिस पर चलेगा तो वो ये सब प्राप्त करेगा, क्या ये सबकी आवश्यकता नहीं है, सबके हित में नहीं है, सबकी जरूरत है, सबको चाहिए, शांति चाहिए, उन्नति प्रगति चाहिए। अब देखिए आध्यात्मिक जीवन में और नैतिक जीवन में और आर्थिक जीवन में एक संतुलन चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आर्थिक उन्नति प्रगति के ऐसे भौतिक जीवन के हम शैदाई बन जाएं, उसी के पीछे चलें कि जिससे हमारी आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में पतन हो, हम गिर जाएं, हैवान बनकर रह जाएं, दानों। और दूसरी तरफ ऐसा भी ना हो कि आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की चिंता करके हम आर्थिक और भौतिक जीवन से दूर हों, बीवी बच्चों से, परिवार से, समाज से अलग होकर लंगोट कसकर जंगल में जाके बैठ जाएं, किसी गुफा में बैठ जाएं, दुनिया को त्याग करके बैठें और समझें कि ईश्वर अल्लाह मिलेगा। भाइयों ये भी नहीं होगा, दोनों के अंदर संतुलन चाहिए। तो ये सारी बातें बताने वाले पैगंबर होते थे। धरती पर जो सबसे पहले मानव आए वो आदम थे, वो सबसे पहले पैगंबर भी थे, और उसके बाद लगातार पैगंबर प्रेषित आते रहे, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन पर शांति हो, अल्लाह का अनुग्रह हो। तो इस तरह से ये दूसरा मूल जो फंडामेंटल बेस है इस्लाम का, आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मानव के हित में है, उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन अरब समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए, किसी विशेष काल के लिए नहीं हुआ, सारे मानव को चाहिए। तो इस तरह से इस्लाम सबके लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना सारे पैगंबरों का इनकार है, और उनके ऊपर जो किताब भेजी गई, डिवाइन रिविलेशन, ईश्वरीय वाणी, ईशवाणी कुरान, उसका इनकार करना, पिछले जो पवित्र ग्रंथ आए उन सब का इनकार करना है, चाहे वे वेद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, तौरा या कोई भी किताब, पुस्तक, ग्रंथ हो। अब तीसरा देखिए जो पॉइंट, मूल शिक्षा है, मूल जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो है पारलौकिक जीवन, मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान ने इसको डिटेल से विस्तार में जाकर सारी बातें बताई कि ये जीवन सब कुछ नहीं है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन के बाद एक सदा का जीवन मृत्यु के बाद आने वाला है, हमने आंखों से नहीं देखा, कोई देख नहीं सकता। मृत्यु के बाद एक जीवन है, स्वर्ग है, नर्क है, वहां जीवन का हिसाब किताब होगा, ये तो किसी ने देखा नहीं, परंतु अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर सोच विचार करके हम समझ सकते हैं कि अगर पारलौकिक जीवन नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये दुनिया का जीवन एक अंधेर नगरी चौपट राजा बन जाएगा। इसीलिए कुरान ने इस बात पर बहुत जोर दिया, अयहसबुल इंसान युत्र का सुना, क्या मानो ये विचार करता है कि उसे आजमाया नहीं जाएगा और उसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। कुरान कहता है कि हिसाब जरूर लिया जाएगा, ईमान के आधार पर सत्कर्म और दुष्कर्म, नेक काम, अच्छे बुरे काम, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। सारे मानों के लिए रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में एक छोटे से कैमरे में कोई चीज को रिकॉर्ड किया जाता है सुरक्षित रूप से, और जिसका रिकॉर्ड हो रहा है उसको खबर भी नहीं होती कि मेरे क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं। कुरान कहता है कि मानव जीवन के सारे कामों का वो क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किस नियत से, मन के किस विचार से वो करता है,
सब रिकॉर्ड हो रहा है, सारा रिकॉर्ड। महाप्रलय होगा, महाप्रलय के बाद मानव को इकट्ठा किया जाएगा, उनके सामने ये सब रिकॉर्ड दिया जाएगा, लो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा रिकॉर्ड है। तो भाइयों बहनों और सज्जनों, जो वहां सफल होंगे वे सब में जाएंगे जन्नत में, पैराडाइज। जो वहां वे सफल सफलता नहीं पाएंगे, वो नरक की आग में उनको वहां रखा जाएगा। ये स्वर्ग को पाना, नरक की आग से बचना, मृत्यु के बाद के जीवन में सफलता पाना, ये सबकी आवश्यकता है और सबके लिए जरूरी है। तो इस्लाम ये मूल शिक्षा देता है कि तुम दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारे इस जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, परंतु ये अपने आप में ये पूरा नहीं है, संपूर्ण नहीं है। एक और जीवन आएगा, पारलौकिक जीवन, उसके साथ ये जोड़कर दोनों उद्देश्य पूरा होता है और दोनों चीजें एक दूसरे का जोड़ा है। जैसे हम देखते हैं धूप है तो छांव है, और दिन है तो रात है, और कोई चीज काली है तो सफेद है, गर्म है तो ठंडा है, मीठा है तो नमकीन है, हर चीज जोड़ा जोड़ा है। इसी तरह से इस दुनिया के जीवन का जोड़ा परलोक जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन। इसके आधार पर फिर आप देखिए, इस्लाम ने ऐसी शिक्षा दी है कि हमारे इस उन्नति प्रगति के लिए कि हम मेहनत करें और सही तरह प्रकार से कमाएं। ब्याज को निषेध किया गया, जुआ निषेध किया गया, शराब और ड्रग्स को निषेध किया गया, इस पर दंड रखा गया, और मृत्यु के बाद भी बहुत बड़ा दंड पनिशमेंट है। इंसान यहां बच जाए मानो वहां नहीं बच सकता, इस तरह की सारी बातें बताई गई हैं। हमारे जीवन की उन्नति प्रगति के लिए बहुत अच्छे हमें रास्ते बताए गए, और मृत्यु के बाद जो मुक्ति है, मोक्ष, सैल्वेशन, उसके लिए बताया गया कि उसका आधार जन्म नहीं, भाषा नहीं, कलर नहीं है, कुटुंब खानदान और कोई नस्ल वर्ग नहीं है, क्योंकि ये मानव के हाथ में है ही नहीं। अल्लाह ईश्वर ने मुझको पैदा किया, उसी ने मुझको एक रंग रूप दे दिया, एक भाषा मेरी बन गई मातृभाषा, एक मेरी राज्य की राज्य भाषा बनी, मैं भारत का नागरिक हूं, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मेरी भाषा राष्ट्रभाषा बन गई। ये मेरे हाथ में कहां था, अल्लाह ने मुझको पैदा किया। कोई अमेरिका में पैदा हुआ, कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, कोई चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, तो जन्म हो या कलर हो, भाषा हो या रीजन हो, वर्ग हो या खानदान हो, ये मानव के हाथ में नहीं है। इसीलिए इसके आधार पर किसी को मुक्ति, मोक्ष, नजात नहीं मिलेगी। नजात के लिए, मुक्ति के लिए ईमान लाओ अल्लाह पर, मान लो अल्लाह को, एक अल्लाह को मानो, जैसे मैंने बताया अल्लाह के सारे प्रेषितों को, पैगंबरों को, अंतिम पैगंबर प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, और उनके ऊपर जो कुरान ग्रंथ उतरा है उसे मानो। तो भाइयों और बहनों, ये चंद विचार थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं। इस्लाम सबके लिए है, ये मुसलमानों का धर्म नहीं है। कुरान को आप मुसलमानों का ग्रंथ मत समझिए, ये अल्लाह की ओर से जो आपका मेरा सबका पैदा करने वाला है, पालनहार है, कानून देने वाला है, उसकी तरफ से सारे मानव के लिए मार्गदर्शन है कुरान, रास्ता है चलने का।